प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आज इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें फिर से ये समय दिया, ये जीवन दिया कि हम प्रभु को महिमा देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले और अपने प्रभु की महिमा से पहले प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर रात्रि के लिए पिता। थैंक यू कि आपने एक बार फिर से खुदावंदेश राजा हम सबको सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हम सभी भाई बहनों को खुदावंदेश राजा अपनी उपस्थिति में बुलाया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस। आज की डेली डिवोशन में जबकि प्रभु जी हम सभी आपके सम्मुख आए हैं पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक को बुद्धि ज्ञान अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद, ताकि आज का वचन जब प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच yes, पिता उसे सुनकर हम उस पर चल सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, आपके अगुवाई में होते हुए इस आज के इस सेशन को प्रभु की महिमा के लिए हम सभी भाई बहन कर सके, एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना करने वाले हो सके, उसके वचन को सुनने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से खुदावंद आपके दास के लिए, प्रभु आपका कंट्रोल रहने पाए उनके देह प्राणात्मा पर जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन जो कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता, yes, Lord, हर एक के हृदयों को प्रभु जी आप खोल दे, उनके आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक मनों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को सीख सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं एक बार फिर से प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे। और जैसा कि वचन सिखाता है गलातियों की पुस्तक उसके 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसी स्वतंत्रता? अपने पापों से, अपने बुरे स्वभाव से, अपने उन तमाम बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने हमें आजाद किया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसी में स्थिर रहो, ऐसी स्वतंत्रता में हम स्थिर रहे और दासत्व के जुए में फिर ना जुते। दासत्व किसका? विरोधी का, पुराने स्वभाव का, पुरानी अभिलाषाओं का और पापों का। तो आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे और प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यस लॉर्ड। हमें हर समय प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु को महिमा देनी है।
परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जिसमें प्रभु जी हम सभी भाई बहन आए हैं। आइए हम वचन में चलें। हालेलुया। और आज बड़ी खुशी का बड़े आनंद का कारण है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे जीवन में 74वां स्वतंत्र गणतंत्र दिवस हमें दिखाया है। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इस 74वें गणतंत्र दिवस को हम देख सके हैं और प्रभु का ये अनुग्रह ही है कि हम इसको देख पाए। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं इस बात की कि आज के इस गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी 2023 के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय में उनको देख पा रहा हूं, मैं हरेक का परमेश्वर में होते हुए स्वागत करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आज खुदा के कलाम में निकालेंगे और थोड़ी बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या समझाना चाहता है, वो क्या क्या बातें मुझे और आपको सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहन चांदनी ने लिखा है कि आज मैं बहुत खुश हूं। सो परमेश्वर बहन आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और जितना आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, जितना आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उतना मेरे और आपके जीवन के लिए क्या होगा, अद्भुत होगा। उसकी जो मोहब्बत है, उसका जो प्यार है, उसका जो अनुग्रह है, वो सबसे स्पेशल है। कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा प्यार मुझे और आपको नहीं दे सकता जो मेरा यीशु मसीह देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले रोमियो की पुस्तक, रोमियो की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां पद। हालेलुया, रोमियो 13 अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, क्योंकि ये कि व्यभिचार है। खुदा हमको, मुझे और आपको बहुत सिखा रहा है आज। सबसे ज्यादा जबकि व्यभिचार की बातें आज दुनिया में फैली हुई हैं, बहुत ज्यादा व्यभिचार है मेरे प्रियो। तो खुदा शुरू से, हालेलुया, उत्पत्ति से लेकर के और जब अब तक मेरे खुदा ने हमें, आपको और मुझको गाइड कर रहा है कि व्यभिचार ना करना। हालेलुया, 13वां पद कहता है, 13 अध्याय उसका 9वां पद कहता है, क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, ना चोरी करना, लालच ना करना और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में। हालेलुया, क्या है सारांश इसका?
इस बात पर पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, खुदा उत्पत्ति से इस बात से नफरत करता है कि वे विचार न करना। सदोम और अमोरा में हुआ कि वे विचार हुआ और वहां पर गलतियां होने लगी, इसीलिए खुदा ने उसको जला डाला, उसमें आग डाल दी। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, आज भी सबसे ज्यादा चर्म सीमा के ऊपर और सॉरी चर्म सीमा पर आज व्यभिचार फैला हुआ है। हमारे रिश्तों को हम समझ नहीं पा रहे। लोग एक दूसरे के रिश्तों को, परिवार में हो चाहे दोस्तों में हो, रिश्तों को समझ नहीं पा रहे। केवल उनका ध्यान कहाँ है? व्यभिचार में लगा है। हालेलुया। और दूसरी बात खुदा कहता है, हत्या ना करना। प्रेज द लॉर्ड। भाई भाई की आज हत्या करने पे आमादा है। परिवार के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो। और इतना ज्यादा ज्यादा गुनाह हत्या का फैला हुआ है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सारे रिश्ते को भूल गए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है चोरी न करना। अब चोरी पैसे की नहीं है मेरे प्रियो, चोरी जो है समय की है, उसके कामों की है। चोरी कई प्रकार की है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये देखना है इस बात को, प्रेज द लॉर्ड, इस बात को देखना है कि हम क्या क्या चुरा रहे हैं। हम उसके पैसे में से तो नहीं चुरा रहे, हम उसके समय में से तो नहीं चुरा रहे। कितना समय मैं और आप एक दूसरे को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की अजीत भाई। और वो लिखा है लालच ना करना। आज लोग एक दूसरे की चीजों का, एक दूसरे के पैसे का, एक दूसरे की स्त्रियों का, एक दूसरे की और चीजों का लालच कर रहे हैं। हालेलुया। और वो कह रहा, मना कर रहा है परमेश्वर की इन चीजों का लालच नहीं करना। आज मेरे और आपके रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? कि एक भाई बहन एक दूसरे के पैसों पर लालच करते हैं, भाई भाई एक दूसरे की जमीन का लालच करते हैं, और भाई भाई किसी और अन्य पैसे का लालच, अन्य चीजों का लालच कर। तो मेरे प्रिय ये जो चीजें हैं आज संसार में बुरी तरीके से फैली हुई है और परमेश्वर इनको मना कर रहा है कि मुझे और आपको ना करना है, नहीं करना है। और वो कहता है इनको छोड़ कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश क्या है? हालेलुया। क्या सारांश है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आज मेरा और आपका पड़ोसी क्या कर रहा है? मेरा और आपका पड़ोसी आज हमसे हमें पसंद नहीं कर रहा है। बहुत जलन रख रहे हैं लोग। वो क्यों बढ़ रहा है? वो क्यों उसने बड़ा घर कर लिया? क्यों उसने अपने काम को ऐसे बढ़ा लिया है? वो आपस में लोगों को बढ़ते हुए हम लोग नहीं देख पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन खुदा फरमा रहा है कि मुझे और आपको अपने पड़ोसी से। अब पड़ोसी ये नहीं कि मेरे घर के बराबर में रहता है या मेरे घर की दीवार के पीछे रहता, वो नहीं है। पड़ोसी वो है जो हमारे साथ भी काम करते हैं, हमारे हमारे और भी प्रकार के लोग जो हैं, जैसे वो भी हमारे क्या है? पड़ोसी हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा ने जो बातें दी हैं उन बातों का मुझे और आपको ध्यान रखना है कि हमें भी उनसे क्या करना है? प्रेम करना। हालेलुया। प्रेम आज दुनिया में से प्रेम उठ गया है मेरे प्रियो। प्रेम आपस में लोगों में है ही नहीं, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे माँ बाप और बच्चों के रिश्ते हों, भाई बहनों के रिश्ते हों, ये सब बातों में से प्रेम क्या है? उठ गया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो खुदा कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। हम जानते हैं उस बात को जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक राहगीर जा रहा था और जब वो जा रहा था यरीहो के किनारे, हमने देखा ना, उसको डाकू ने मारा पीटा लूट लिया और बहुत से लोग देखकर चले गए। कौन लोग देख के चले गए? जो पासबान थे वो भी देख के चले गए और लोग भी देख के चले गए। लेकिन एक सामरी, हालेलुया, एक सामरी व्यक्ति वो आया और उसको तरस आया और वो किसको ले गया? उस व्यक्ति को उठाया, मलम पट्टी करी और अपनी अपनी गधे पे, अपनी घोड़े पे लादा और उसको लेके गया। कहां पर? और वो उस जगह पर, उस समय सराय का मतलब ये कि उस अस्पताल में उसने उसको छोड़ा। हालेलुया। और वहां पर उसने उसकी कहा कि इसके लिए मलम पट्टी करो, इसकी दवाई दारू करो, जो भी कुछ है इसका ठीक करो और
मैं जाता हूँ और जब मैं फिर वापस आऊंगा और जो कुछ इसके ऊपर खर्च होगा मैं करूंगा। ये है पड़ोसी का प्रेम, हालेलुया। ये है पड़ोसी के समान, अपने समान पड़ोसी से प्यार करना। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे और आपको बड़ा मनन करना है इस चीज के ऊपर, बड़ा ध्यान करना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी जरा सी किसी से झगड़ा हो जाता है या जरा सी कोई बात हो जाती है आपस में, हम जब कुलीग लोग हैं जो काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो भी जब हम बात करते हो कोई बात हमको चुभ जाती है, कोई बात हमारे को यहाँ लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इससे तो इसको तो मैं सही कर दूंगा और इससे तो मैं पलटा लूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। हालेलुया। लेकिन खुदा मुझे और आपको समझा रहा है अपने जाति भाइयों से। जाति भाई यानी कि वो मसीह है, मसीह भाई ने सभी भाइयों के लिए ये नियम है। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर, जय मसीह की, सब लोगों के लिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो अपने जाति भाइयों से बैर मत रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे के साथ मुझे और आपको क्या करना है, अपने समान प्रेम करना। हम देखते रहिए, हमें जरा सी चोट लग गई, जरा सा क्वेश्चन हो गया, जरा सी कोई बात हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, शरीर में ये मलम पट्टी दवाई ये वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रिय हो, मेरे अजीज हो, बात ये है कि खुदा कह रहा है कि अपने समान मोहब्बत करना और बदला भी मत लेना। लेविस्टिक ले व्यवस्था उसका 19 अध्याय और 18वां पद कह रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मनुष्य कहता है कि किस्तों में मैं बदला लूंगा, किस्तों में मैं बदला लूंगा, आपने मेरे साथ बुरा किया है। हालेलुया। ये है लोगों की सोच। हालेलुया। सैमुएल इमैनुएल साहब, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और वो कह, और हम बदला लेने के लिए तैयार, लेकिन यीशु मसीह क्या सिखा रहा है कि तो बदला ना लेना, अपने जाति भाइयों के साथ ऐसा ना करना, बैर मत रखना। आज लोग बैर रखते मन में, बहुत कुछ चलता है और एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। सुनील भाई, जय मसीह की। प्रभु ने उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, बहुत सी आज्ञाएं दी और उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी करना, झूठी गवाही। आज एक दूसरे के प्रति लोग बिना जाने बिना सोचे झूठी गवाही देते थे हैं और झूठी बातें एक दूसरे के लिए कह रहे थे। क्या मैं और आज दुनिया में देख रहे हैं, क्या मैं और आप माता पिता का आदर कर रहे हैं? वो आज्ञा मुझे दी है, वो हमें आज्ञा भी है कि तू अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। और जिस देश में तू रहता है ना, वो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वो देगा और तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। ये एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, ये आज्ञा तो है लेकिन आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर ने कि जो लोग अपने माता पिता का आदर करेंगे, जो माता पिता की सेवा करेंगे, जो माता पिता से प्रेम करेंगे, वो लोग आनंदित रहेंगे, वो खुश रहेंगे और बहुत लंबी जिंदगी उनकी होगी। प्रेज द लॉर्ड। उनकी क्या होगी, उनकी बहुत लंबी जिंदगी होगी, खुदा उन्हें लंबी जिंदगी बख्शेगा और वो बहुत दिनों तक इस दुनिया में इस स्थान पर रहने पाएगा। वो कहता तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिस देश में तू जो और जिस दे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञाओं पे आज्ञाओं पे आज्ञा दे रहा है, समझा रहा है कि मुझे और आपको क्या करना है। आज माता पिता का मैं और आप आदर करने के लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो। आज बच्चे माता पिता की सुन नहीं रहे, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। और हमारा यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी था। लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बढ़ने लगा। हालेलुया। आज हम किसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? हम तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार भी नहीं चल रहे, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात रही। तो मेरे प्रियो आज स्थिति ये है संसार में। हालेलुया। और ये बड़ी आज्ञा दी है परमेश्वर ने, बहुत उम्र पाएगा तू, अभी माता पिता की क्या करेगा, सेवा करेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 12वां और 17वां पद कहता। हालेलुया। खुदा ने अभी जैसे हमने पहले पढ़ा 13:9 के अंदर कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, प्रेम करना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह ने अगर मुझसे और आपसे प्रेम ना किया होता मेरे प्रियो, तो क्या मेरा और आपका जीवन अच्छा होता? हम जो है पापों में पड़े रहते, पापों में ग्रस्त रहते, और हम कहां जाते? हम नरक में जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम करते हैं, या बस वो यह सब बल ऐसे चल रहा है क्या भाई? खुदा है, हम मान रहे हैं, इतवार को चले गए चर्च, सेवा कर ली, बाइबल पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा। ये है लोगों की सोच। प्रेज द लॉर्ड जीसस, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको बहन। और वो कहता है कि क्या मैं और आप पूरे सारे मन से, तन से, परमेश्वर की सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम रखते हैं? खुदा ने आज्ञा दी है मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या कहा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 10:27 में कहता है, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हालेलुया। जिस माँ बाप को, जिस परिवार के लोगों को, जिनको हमने देखा, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो हम उस परमेश्वर से, उस परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम और आप चलते हैं, तो खुदा कह रहा है कि तुम उम्र की दराजी पाओगे, तुम आनंदित रहोगे, तुम खुश रहोगे, तुम्हारा जीवन हर एक कष्टों से दूर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मुझे और आपको माता पिता का आदर करना है। ये परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको क्या दिया? आज्ञा दी है कि मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। और हम जीवन पाएंगे, लंबा जीवन पाएंगे। याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है? याकूब 2 और उसका 8:10 क्या कहता है? अध्याय 2:8-10, तो भी तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्या कह रहा है? सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो जो अच्छा करते हो। हालेलुया। उस राज्य व्यवस्था को हम क्या करते हैं? पूरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की बातों पर चलते हैं। और जब मैं और आप परमेश्वर की बातों पर चलते हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन एकाग्रता के साथ सही योजना के अनुसार, जो परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार चलता। जैसे मैंने कहा ना मेरे प्रियो, कि जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनको अपने सामने रखते हैं, अपने माँ बाप हों, हमारे माता पिता हों, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे भाई भाई हों, चाहे बच्चे हों, सबके लिए ये बात है कि अगर मैं और आप आज्ञाओं पर चलते हैं तो आनंदित रहते हैं। तो आज्ञाओं को जानता है, मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या बताई है? आज्ञा बताई है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है। हालेलुया। तो हत्या ना करना, हालेलुया। काय हत्या ना करना, मुझे और आपको क्या नहीं करनी है? हत्या नहीं करनी है, लालच नहीं करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना। जैसे मैंने भी पहले भी कहा, चोरी नहीं करनी है, झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी को धोखा नहीं देना। आज मनुष्य को, भाई बहनों को, आपस में माता पिता को हम धोखा दे रहे हैं। एक छत के नीचे रहने के बाद भी हमारे अनैतिक संबंध हैं, हमारे किसी और बहन से, किसी और भाई से हमारे संबंध है, ये हम आपस में रहते हुए धोखा दे रहे हैं। फिर जरूर, और वो कहता है कि अपने माता और पिता का आदर करना। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, तू बहुत उम्र पाएगा, तू बहुत जीवन पाएगा, तू माता पिता की आज्ञाओं पर चलेगा। हालेलुया। बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारी इतनी उम्र होने के बाद भी हमारे माता पिता जब तक जीवित रहे, दोनों के, मेरी पत्नी के भी और मेरे भी, हम दोनों अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे, यहां भी और वहां भी। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज्ञाकारी रहना है। परमेश्वर फलवंत करता है मेरे पियो जब हम उनके अनुसार चलते।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो कहता है तुम माता पिता का आदर करना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप गुनाहों के लिए नहीं, मैं और आप चोरी के लिए नहीं, मैं और आप व्यभिचार के लिए नहीं, मैं और आप गवाही जो झूठी देने के लिए नहीं, मैं और आप धोखा करने के लिए नहीं, मैं और आप अनाज्ञाकारिता करने के लिए नहीं, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, प्रेज लॉर्ड। हम आनंदित होने के लिए बुलाए गए, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, हालेलुया। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं मेरे प्रियो, ये काम हमें नहीं करने हैं। और कभी कभी क्या होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है ये जो स्वतंत्रता, ये परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, उन हम शारीरिक कामों के लिए क्या न बन जाए, अवसर ना बन जाए, हालेलुया। ऐसा ना हो हमारी आजादी हमारे गुनाहों का कारण बन जाए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जब आजाद हो जाते हैं, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा हो, चाहे माता पिता की आज्ञा, जब हम आजाद हो जाते हैं, अपने आप को समझने लगे हम तो स्वतंत्र हैं, तो हम क्या करते हैं, गलत गलत कामों में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदावंद का वचन कहता है गलातियों के पुस्तक 5:13 में लिखता, वरन हमें क्या करना है, एक दूसरे के कर्जदार बनना, एक दूसरे के दास बनो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए, अपने चेलों के एक गुरु होकर के पैर धोए, हालेलुया। क्या ये बात हम जानते कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कपड़े पर उतारे और अंगोछा बांधा और अपने चेलों के पैर धोने लगा। हम तो किसी के पैर धोने की बात, अपने माता पिता के पैरों को दबाने की कोशिश नहीं करते। आज के बच्चों को हम देखते हैं कि वो माता पिता के पैर दबाने के लिए, सर दबाने के लिए या हाथ पाथ दबाने के लिए दर्द हो तो कभी तैयार नहीं होते। आप अपना आप दबा लीजिए, आप अपना आप करिए। आज ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो खुदा कहता है कि एक दूसरे की सेवा करने वाले, एक दूसरे से दास बनो, हालेलुया। खुदावंत का अद्भुत 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 विचार है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप उस अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया। लेवस्ता की पुस्तक, ये लेवस्ता 19:34 कहता है, जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देसी के समान हो, बिल्कुल अपने समान रखो उससे संबंध, और उसे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम तो मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ इस संसार में वो तो प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा ने परदेशी निकाल, उनको मिस्र से निकाल के लाया था। आज हम भी इस दुनिया में क्या है, परदेशी है, परदेशी है। जितने दिन का हमारा यहाँ डेरा है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के विचारों के अनुसार, और जैसे वचन में बताया, विचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल न करना, माता पिता का आदर करना, ये सब का मुझे और आपको क्या करना है, करने हैं, हालेलुया। क्योंकि ये डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे मेरे प्रियो। हमारे पास, हम मसीहों के पास एक जीवन भी है, मृत्यु के बाद का भी जीवन है मेरे प्रियो। तो सोच समझ के काम करना है, और जब न्याय आसन के सामने हम पहुंचेंगे तो मेरे प्रियो क्या होगा, किताबें खोली जाएंगी। प्रकाशित वाक्य कह रहा है किताबें खोली जाएंगी, और क्या होगा उन किताबों में, ओ जीवन की पुस्तक के साथ साथ और पुस्तकें भी खोली जाएंगी, और उन पुस्तकों में मेरा और आपका हिसाब होगा कि हम क्या, मैंने और आपने अपनी जिंदगी में किया है क्या। मेरे अजीजों, कभी आपने इस बात पर ध्यान किया, जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तो क्या आपके सामने वो रील चलती है, वो रील चलती है क्या, जो सुबह उठने से लेकर के इस रात्रि में लेटने तक आपने कार्य किए, हालेलुया। उनके रील अगर आपके जीवन में चलती है तो मेरे प्रियो कभी भी मैं और आप गलत काम नहीं करेंगे, हालेलुया। कभी भी हम गलत उपयोग नहीं करेंगे अपनी 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 ताकत का मेरे प्रियो। खुदा बाप के सामने हम समर्पित हो जाएंगे, देखें उस रील को, सिनेमा की तरह आपके सामने चलने लगेगी, वो रील चलने लगेगी कि आज सुबह उठा था, कैसे मैंने किया था, कैसे अपनी मम्मी को जवाब दिया था, कैसे मैंने अपने मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानी, कैसे हम चलते रहे,
क्या आज मैंने किसी का विरोध किया, क्या मैंने किसी का बुरा व्यवहार किया, क्या मैंने किसी के साथ ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया जो उसके विरोध था। हालेलुया। क्या मेरे मुंह से कोई ऐसी बात लगी जिससे दूसरे को चोट पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा खुदा के सामने समर्पित होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जी सुनिश्चित सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन आपको और मेरे प्रियो। उस रील को जब आप आपके सामने चलेगी तो आपको और मुझे, मेरे मैं भी उतना ही बराबर का हकदार हूं। ये नहीं कि मैं वचन सुना रहा हूं तो मैं नहीं, मुझे भी वही चीज चलती है। सोचता हूं, मैं हमेशा आंकलन करता हूं मेरे प्रियो, आंकलन करता हूं कि आज सुबह से उठ करके मैंने जीवन में कितनी बार मैंने क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को नुकसान किया, किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्री सिस्टर जय मसीह की, ठीक है सिस्टर, जरूर प्रार्थना करेंगे। आप लोग जयपुर जा रहे हैं और मीना बहन के लिए ठीक है, जरूर से प्रार्थना करेंगे। उनके हार्ट की सर्जरी होगी तो प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हम सब भाई बहन जो अभी यहाँ पर ऑनलाइन है, कोई जाएगा नहीं, पहले हम सब भाई बहन 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 के लिए, बहन मीना के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, थोड़ी सी देर में और लूंगा आपका समय। प्रेज लॉर्ड। मुझे और आपको, जब मैं और आप यहाँ परदेसी के रूप में हैं, तो मेरे प्रियो मेरे अजीजो, मेरे और आपका जीवन बड़े सच्चता के साथ, निर्भीकता के साथ अच्छे तरीके चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, वचन में लिखा है, तू तो आज्ञाओं को जानता है, तू व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया, परमेश्वर के इन वचनों पर बहुत आशीष हो, बहुत बरकत हो। मेरे प्रियो, आप लोग सब इस वचन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं और आप जब इसको शेयर करते हैं तो खुदा का वचन बहुत फैलने पाए, ताकि लोग इसे सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा उनको धन्यवाद दे, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते मेरे राजा, तेरी दया तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन पे की है पिता परमेश्वर। तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने हम सबको जीवित रखा है प्रभु। आज ये रिपब्लिक डे, जो 74वां रिपब्लिक डे है खुदावन, गणतंत्र दिवस, इसको हम देख सके, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस देश पर खुदावन, इस भारत देश के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस भारत देश पर तेरी आशीष हो, बरकत हो खुदावन। जितना हमारे मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और जितने इस देश के अंदर जो सरकार में मंत्री हैं, जो चलाने वाले, खुदावन तू उन्हें चला प्रभु, तू अपनी मर्जी उनके जीवन में रख खुदावन। उनका आना, उनका बैठना, उनका योजनाओं को बताना तेरी ओर से उन्हें पाए मेरे पिता, ये तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। सहायता करना, मदद करना, प्रार्थना करते हैं बहन मीना के लिए और और सिस्टर के लिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं मीना सिस्टर के लिए खुदावन, जो रीता सिस्टर ने दिया है प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर, प्रभु दया कर खुदावन। जब वो जयपुर के हॉस्पिटल में जाती हैं, यीशु मसीह एक पिता की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, मेरे राजा तू उस बहन मीना के साथ होना। जब वो ऑपरेशन स्ट्रेचर पर होती है, यीशु मसीह खुदावन तू डॉक्टर बन के तू उनके सामने हो खुदावन, तू सहायता करना। अगर तेरे नाम, तेरी मर्जी है कि सर्जरी हो तो हो, और ना हो तो तेरी मर्जी हो पिता परमेश्वर, ना भी हो सर्जरी, क्योंकि खुदावन तू तो सारी चीजों को मेरे राजा, सारी असंभव चीजों को पलटने वाला मेरा खुदा है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, कोई सर्जरी भी तू रोक सकता है, क्योंकि तू सारी मशीनें तो झूठ बोल सकती है, डॉक्टर भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन यीशु राजा जब तू बोलेगा प्रभु तो तू बिल्कुल सच बोलेगा मेरे राजा। तेरा धन्यवाद करते बहन मीना के लिए, उसकी चंगाई के लिए, और तू दया कर दया कर दया कर प्रभु जी। खुदावन तूने उस बहन के लिए भी कोड़े खाए, तो तू उस बहन से प्यार करता है मेरे प्रभु, जब वो गर्भ में थी खुदावन, उस घड़ी से तू उसकी रक्षा करता है, देखभाल करता है प्रभु। तेरी मर्जी के मुताबिक अगर सर्जरी लिखी है तो होगी,
और तेरी ओर से नहीं है तो प्रभु नहीं होगी, यह विश्वास करते हैं। हालेलुया। और भी कोई भाई बहन किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, विशेषकर बहन आशी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जब उसी ये प्रॉब्लम से है, खुदा उन्हें दया करना उस बहन पर, खुदा उन्हें उसको शुद्ध करना, चंगा करना, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला मेरा खुदा है। खुदावन तू अंग के सारे अंगों को शुद्ध करने वाला, एक एक कीटाणुओं को निकालने वाला परमेश्वर है राजा, तू धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग और भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनका नाम हमें याद नहीं, यीशु राजा तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तू सबको चंगा कर। हालेलुया। बिनती करते मेरे प्रभु, बिनती करते हैं क्योंकि तू चंगाई देने वाला मेरा राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावन जो ड्रग्स में, जो गलत चीजों में, गुनाहों में, पापों में लोग पड़े हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो आजाद हो जाए खुदावन। हाँ खुदावन प्रार्थना करते अपने उन लोगों के लिए खुदावन, उन नौजवान बेटे बेटियों का जिनका जीवन बेरोजगारी से गुजर रहा है, जिनकी कमजोरी है, जिनको कोई गलत आदत है खुदावन, यीशु मसीह तेरे नाम से वो आजाद होने पाए। हर एक बुरी आत्मा, हर एक ऐसी आत्मा जो रोकती है नशे की, यीशु मसीह तेरे बंधन से टूटने पाए और सारे बंधन से वो आजाद हो जाए मेरे खुदा, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए, सहायता कीजिए खुदावन। तेरे विश्वासी लोग जो तेरे आने का इंतजार करते हैं खुदावन, उन्हें मजबूत कर खुदावन। तो वचन में चला प्रभु जी, लोग तेरे वचन को जाने खुदावन। शैतान तो भरमाना चाहता है, लेकिन तू है जो रास्ते को ठीक करने वाला मेरा पिता है, सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, उनके मन में उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन उनके मन में कोई तेरे प्रति रिक्वेस्ट है, कोई उनकी परेशानी है, कोई उनकी कमजोरी है, कोई ऐसी चीज है जिससे वो दुर्बल हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वो सारे बंधन खुल जाए मेरे प्रभु, सारे बंधन खुल जाए, क्योंकि तू जानता है कि किसकी क्या परेशानी है। खुदावंद अपना रहम करना मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं सारी चीजों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदावंद इस पेज के लिए जो आगरा मसीह मंडली पेज है, इस पर आने वाले प्रत्येक भाई बहन को यीशु मसीह तेरे नाम से मैं आशीष बोलता हूं। जितने भाई बहन इस समय देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, यीशु मसीह तेरे नाम से वो आजाद हो, सारी खुशियों से, सारे आनंदों से परिपूर्ण है। खुदा ने एक बार फिर से अपने देश को तेरे हाथों में सौंप दे, पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सब भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को सुना है, और चांदनी बहन के लिए भी हम ये प्रार्थना करते हैं। आइए एक बार हम और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी बेटी चांदनी को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। दया कर मेरे प्रभु, चांदनी बेटी जो परेशानी है, हर एक बंधन से यीशु मसीह तू आजाद कर उसको, उसके मन में शांति, तसल्ली, प्रेम, तेरा प्रेम आने पाए खुदावन। और हर एक कमजोरी शरीर की बंधन, कोई भी ऐसा बंधन है जो उसे परेशान कर दे, यीशु मसीह तेरे नाम से वो आजाद हो जाए, पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए हमारे साथ रुके हैं, और हम सब ने जब मिलकर प्रार्थना करिए तो प्रभु सारी चीजों से, मेरे प्रियो सारी चीजों से, जिन जिन के लिए हमने प्रार्थना करी आजाद होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल फ्राइडे है, और कल हमारी बहन सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर शहर से हमारी बड़ी बहन है, वो प्रभु के वचन को लेकर आएंगी, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन जितने हम लोग ऑनलाइन आते हैं और भी जितने प्रचारक हैं, आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि सब प्रभु के वचन में मजबूत होके प्रभु के कलाम को बताने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत बहुत और बहुत बरकत दे। आमीन।